सर किस तरीके से देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, हम जो देख रहे हैं एग्जिट पोल सामने है हमारे, किस तरीके से आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी? कंचन जी, जो गुजरात इलेक्शन के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, और वो कोई मतलब अनप्रेडिक्टेबल चीज नहीं हो रही है। अगर जो कुछ अपसेट होता तो बाजार के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता, अगर जब बीजेपी जीत रही है तो कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है बाजार के लिए। तो रैली अच्छी खासी हो चुकी है, और अब क्या हो गया, बेसिकली सेल और राइज का मार्केट हो गया। जो इतने दिन बाय वन डिप्स चल रहा था, अब जब तक निफ्टी 18,900 का लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज हो गया। हर ऊपर जाने वाले बाजार पे आपको सेल करना है। जी, तो ये बात हुई निफ्टी की। सर बैंक निफ्टी को किस तरीके से देख रहे हैं? कंचन जी, एक चीज और कहनी थी निफ्टी के लिए, अठारह जी सर, हजार 570 का अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर जो उसमें भी ब्रेकडाउन आ रहा है तो वहां से भी आप 100 से 150 पॉइंट इमिडिएट फॉल दिखाई दे सकता है आपको निफ्टी में। ये हो सकता है आज और कल फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ तक ही पॉसिबल लग रहा है कि 18,450-400 तक आप जा रहे हो निफ्टी में। जी तो ये बात हो गई निफ्टी 50 की, क्या देखने को मिल रहा है, क्या प्रभाव पड़ सकता है? सर ने बता दिया है कि इस टाइम पे ज्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ नया नहीं है इस टाइम पे, लेकिन सर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो कुछ अच्छी संकेत हमें मिल रहे हैं क्या, वो भी इस तरीके से निफ्टी 50 की तरह ही है? कंचन जी, कल तक आप पूछते तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रहा था, पर आज से क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी भी लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन पर आ रहा है। और बैंक निफ्टी अगर जो 43,000 का लेवल तोड़ देता है और वर्स्ट केस में 42,900 का लेवल के नीचे 10-15 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो आपको 42,600 और 42,300 बहुत इमीडिएट दिखाई दे सकते जी हैं। तो व्यू फिलहाल बेयरिश है मार्केट पे। जी तो सर ने बता दिया है कि मार्केट को लेके जो अभी सर का व्यू है वो थोड़ा सा बेयरिश है, लेकिन हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें बदल जाए जल्दी से और हमें बुलिश नेचर भी देखने को मिले मार्केट का, और अच्छी ऊंचाइयों पर हमारा मार्केट पहुंचे और अच्छा मुनाफा सारे ही लोग कमाए। कंचन जी, मार्केट ओवरबॉट था, मार्केट को एक करेक्शन चाहिए, मार्केट सांस दे रहा है वापस नई नई रनअप के लिए। तो आपको मार्केट को सांस देनी पड़ेगी कि उसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, फिर आपको एक तो स्टॉक्स आपको अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहे हैं वहां पर आपको एक्युमुलेट करने हैं। जी सर, ये डाउनफॉल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक सांस लेके जो ऊपर ऊंचाइयां छुएगा, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वो एक नई ऊंचाई को छूने को देख सकते हैं हम, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कब करेक्शन दिखाता है, कब वापस से ऊपर की तरफ जाने को देख सकते कंचन जी, जो हैं। शॉर्ट टर्म प्लेयर है वो 18,785 का क्लोजिंग बेसिस स्पॉट पे स्टॉप लॉस लाके निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर जो 18,900 आपके लिए बहुत ज्यादा दूर हो रहा है, आप 785 का स्टॉप लॉस लाके भी निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। अब बैंक जी निफ्टी अगर जो 42,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप 43,200 के स्टॉप लॉस लाके बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हो। जी सर,